एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे अमीर बना जाए, हमें अपने ब्लूप्रिंट्स पे काम करना है और उसके लिए आपने सुझाव दिया था। अवेयरनेस की बात की थी आपने, अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन और रिकंडीशनिंग की बात की। जो अगला सवाल आता है वो आता है कि वो कौन से 17 पॉइंट्स हैं, 17 पॉइंट आपने बताए थे लास्ट वीडियो में, जो आप शेयर करना चाहेंगे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आज चर्चा करें उस 17 पॉइंट की, तो वो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अजय जी। थैंक यू। थैंक यू अशोक जी। तो यहाँ पर मैं कुछ 17 पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, और मेरा यहाँ बार बार आपसे ये कहने का मतलब होता है कि अमीर और गरीब लोगों के अंदर, मुझे गरीब लोगों को मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है या उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, मेरा यहाँ पर्पस बिल्कुल ये कहना नहीं है, बट वो थोड़ी सी उनकी मानसिकता या एटीट्यूड में फर्क है जिसकी वजह से वो वहां पहुंचे हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जो अमीर लोग हैं उसमें, जिसको मैं वेल्थ की फर्स्ट फाइल बोलता हूँ, कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उनके अंदर एक पॉइंट होता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। अमीर लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गरीब लोगों को देखेंगे तो वो एज ए विक्टिम की तरह काम करता है। वो विक्टिम का मतलब क्या हुआ, वो कहेगा कि मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, और अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, वो विक्टिम की तरह बात करता है। वो हमेशा पीड़ित, मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि वो दोष मढ़ता रहता है। अगर अगर मैं विक्टिम की बात करूं तो सबसे पहले वो क्या दिमाग में लगाएगा कि वो दोष मढ़ता रहेगा, कभी किसी को कभी किसी को। नॉर्मली आप अपने अंदर देखिए झांक के कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, हम दोष मढ़ रहे हैं बार बार, कभी किसी को कभी किसी को, तो ये समझने वाला है। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप दोष मढ़ते हो तो आप जीते जाते चुंबक बन जाते हो किसी घटनाओं के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए जिसमें आपको क्या चाहिए, ये दुख ही चाहिए, ये तकलीफें ही चाहिए, नॉन फाइनेंशियल मैटर ही चाहिए आपको। तो आप समझिए, तो अमीर लोग अपनी जो डिसीजन होती है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब वो मैं अपनी गाड़ी पे बैठता हूँ तो अमीर लोग अपना स्टेयरिंग खुद संभालते हैं, उनको लगता है वो जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डालते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। विक्टिम किसने किसी के ऊपर लेता रहता है कि वो कर दे ये कर दे, या फिर वो क्या कहता है कि भाई दोष पड़ता है। और हमेशा दूसरा पॉइंट क्या होता है विक्टिम का, जो खुद को सही ठहराता है हमेशा, दूसरा पॉइंट हमेशा वो बोलेगा यार मैं तो ठीक हूँ, दुनिया खराब है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या क्या होता है, तुम्हें क्या पता भाई रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें नहीं पता ये सब, वो इस तरीके की बातें करता है। तो ये समझ लीजिए, आप ऐसे व्यक्ति के पास जैसे ही चले जाइए, समझ लीजिए अब आपको जैसे कोरोना अभी फैला हुआ है, तो उस तरीके की चीजें संक्रमण की तरह आप पे भी आने लगेंगी। जो अमीर लोग की दूसरी फाइल है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। तो इससे आपको पता ही चलता होगा कि जैसे अगर आप मतलब एक मैच की मैं अगर बात करूं, अशोक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम डिफेंसिव खेल रहे हैं किसी मैच में, किसी टारगेट पे पहुंचना है, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं उस मैच को जीतने के? बहुत कम चांसेस हैं, हम बचने के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बचने के लिए खेल रहे हैं। तो यही लाइफ में हमारे साथ होता है कि जब हम लोग रिस्क फैक्टर की जब बात करते हैं या कोई डिसीजन लेने की बात करते हैं, अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं, बट ऐसा नहीं वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि नहीं कि आपने बस छलांग मार दी, मतलब आपने मतलब आप गए, आपको लगता है सी में मुझे छलांग मारनी है और मार दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है जैसे हम लोगों ने सुना भी हुआ है कि, तो आपको पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए कोच के बाद, फिर उसके बाद फिर वहां उसमें जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है ऐसी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, पर हमेशा इतना एनालाइज करते हैं कि आप पैरालाइज हो जाएं, तो ये करने से हमेशा वो आप उस चीज को नहीं पा पाएंगे। और अमीर लोग इसका डिसीजन बड़े आसानी से और जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो गरीब लोगों के साथ, जैसे मैंने डिफेंसिव मोड की बात करी है, तो मैं एक बात मिडिल क्लास लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं इस बात को इसलिए आपको बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन तीनों फेजेस में रहा हूँ। मैं गरीब वाले में भी रहा हूँ, जब हमने बड़ी नीचे निम्न चीज से देखी, फिर मैं मिडिल क्लास में भी आया, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के हाई लेवल तक पहुंचने की पूरी कोशिश में आ चुका हूं, इसलिए मैं आपको ये बात बोल पा रहा हूं। जब मेरे मिडिल क्लास टाइम पे था तो मेरे को याद आया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सोचता था, मैं कंप्यूटर सेंटर चला रहा था उन दिनों में, और मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे लगता था इसका रेंट निकल जाए, मेरे तीन एम्प्लॉइज है इनकी सैलरी निकल जाए जैसे जैसे करके, घर के अंदर मुझे ये खर्चा देना है ये निकल जाए। तो कहने का मतलब क्या होता था कि मुझे बिल चुकाने लायक पैसा मिल जाए, ये मेरी दिमाग में एक फीलिंग रहती थी। तो ये डिफेंसिंग मोड हो गया। अब आप सिर्फ आमदनी को किसके लिए सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे इन चीजों के बारे में इतना ही चुकता हो जाए, तो आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो इसमें वेल्थ की जो थर्ड फाइल है उसके लिए मानना है मेरा कि अमीर लोग क्या सोचते हैं कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। आप नहीं, जितने मर्जी लोगों से अभी आप, मतलब मेरी ऑडियंस भी है, चैलेंज है,
क्योंकि मैं भी ऐसी उसी कैटेगरी में रह चुका हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आप जितने भी लोगों से पूछोगे सब कहेंगे हाँ अमीर बनना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैं अमीर नहीं बनना चाहते, क्योंकि गरीब लोग मिडिल क्लास आदमी सोचते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर लोग क्या होते हैं, अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, मतलब बिल्कुल डेडली। मुझे किसी भी कोर्स पे, जैसे मेरे को लगा ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उस फेज से मैं निकला हूँ जिसमें मुझे लगता था कि यार ठीक है बन गए तो बन गए, फिर मुझे समर्पित होने पहले जब बात समझ आई तब समझ आया कि ऐसा क्यों दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों आती है, क्योंकि हमारे देखिए होता क्या है कि जैसे मेरा मानना यह है कि हमारे अंदर ना हमारे सबकॉन्शियस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा सबकॉन्शियस, जैसे आप सबने सुना होगा हमारा एक सबकॉन्शियस है, उसके अंदर हमारी एक 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 मतलब फोल्डर है, मतलब एक 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 तरह से अलमीरा बनी हुई है। जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने जाते हैं तो आपको पता नहीं है वो वहां जाएगा, उस फाइल को देखेगा, चेक करेगा और भागेगा और आपको डिसीजन ले लेगा। आप सोचोगे यार उसने डिसीजन वहां से लिया, बट वो देखता है जितना भी जिससे आपका सर्वाइवल हो जाए वो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन नहीं लेता जिसकी वजह से आपको क्योंकि उसके उसने बहुत सारी चीजें बचपन में सुन रखी होती हैं, जैसे पैसे के बारे में उसने सुनी हुई थी, समर्पितता का मतलब होता है और मीन बनने से। मैं कुछ लाइनें आपसे बोलना चाहूंगा, अगर मैं बहुत दौलत कमा लूं तो कहीं इसको गवा तो नहीं दूंगा, फिर मेरा क्या होगा, लोग कहीं मुझे असफल तो नहीं कहेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को, मैं कहीं सबसे उचित टैक्स रेंज में ना चला जाऊं, ओहो कितनी सारी टेंशन है, कितने सारे लोगों के साथ, वकीलों के साथ, सबके साथ इन्वेस्टमेंट सब पॉलिसी समझनी पड़ेगी, अरे भाई इसमें तो बहुत मेहनत है, इस कोशिश में हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे साथ भी आया, अरे कहीं पता चले इस कोशिश में अपनी मैं अपनी कहीं हेल्थ ही ना गवा दूं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। अच्छा मेरे दोस्त और परिवार वाले कहे कहेंगे तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी आलोचना करने लगेंगे, अरे मैं काम कर रहा हूँ इतना, अभी देखो टाइम ही नहीं है इसके पास, हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा, मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का किडनैप हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं इनमें से कोई मिलती जुलती बात कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में बैठ जाती है, तो जिसकी वजह से मैंने आपसे बोला ना हमेशा फीलिंग जीत जाती है। तो अमीर बनना तो चाहते हैं, पर जब ये बैठा हुआ है आपके दिमाग में, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में मैंने बैठा था कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो जैसे ही मैं वो 10 करोड़ का जो धंधा सबसे बड़ा धंधा करने लगा, जो मुझे पता था अगले मेरे को 2 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम पे लाने लगेगा, तो एकदम से नीचे क्यों आ गया, हमें लगेगा कि यार जेपी खराब है, हम कहेंगे ये समस्याएं हैं, अरे भाई मेरे दिल में भी तो देखो क्या बैठा हुआ है, मेरे बच्चे ना बिगड़ जाए मुझे ये लग रहा है। अब वो क्या करेगा, सबकॉन्शियस उसको अमीर बनने देगा नहीं बनने देगा, आप बताइए मुझे, ये बताइए। सबकॉन्शियस जो इतना पावरफुल है, जिसको अगर गीता में दृष्टा कहा गया है, दृष्टा जो आपका अपना ब्लूप्रिंट है, अगर वो मान लो किसी इसी बात को लेके बैठा हुआ है तो आपको क्या करता है, आपको लगता है कोई घटना घटने देगा आपके साथ, वो सारे एक्सपीरियंसेस तो वही क्रिएट कर रहा है। अगर हम गीता की डिगिंग में भी चले जाएं, माया तो वही क्रिएट कर रहा है, सब कुछ तो वही क्रिएट कर रहा है, सब क्रिएटर अगर वही है और क्रिएटर के मन में अगर ये बैठा हुआ है तो वो आपको क्या करने देगा, इक्वल टू जितना मर्जी कर लीजिए आप, इक्वल टू वापस वही ले आएगा आपको। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है हमारे को, इसलिए मैं इसको गीता से स्पिरिचुअल को वेल्थ को एनर्जी मानता हूँ, ये हमारे तभी मैं कह रहा हूँ ये मेरे हाईएस्ट सेल्फ को प्रूव करता है, मैं इसको एनर्जी को वेल्थ को उससे अलग नहीं मानता हूँ, ये इसीलिए मैं इसको एज ए मतलब पूजा की तरह देखता हूँ, एज ए गॉड की तरह देखता हूँ, गॉडली पावर है, तभी हमारे ग्रंथों के अंदर लक्ष्मी नाम से इसको दिया गया और इसका वर्णन किया गया, बताया गया कि ये भी एक देवी है। अभी तो मेरे को बोला गया ये देवी क्यों है, क्योंकि बिकॉज गॉड गॉड की तरह इसको बताया गया, हम इसको अलग मानने लगते हैं, हम इसको बुरा मानने लगते हैं, जो हमारी कंडीशनिंग और ब्लूप्रिंट की वजह से आया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। और वैसे मतलब मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आप कहते हो कि ज्यादा पैसा तो आपको लगता है ज्यादा मजा, वो दूसरा चीख चीख के कहता है अरे भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, दूसरा हिस्सा बोलेगा ना ये, अगर आपके मन में बैठा होगा तो एक बार कहोगे यार यार मुझे इससे पैसा आ जाएगा मैं पूरे वर्ल्ड टूर घूमने जाऊंगा, अरे जैसे ही टूर पे घूमने जाऊंगा तो लोगों की नजरें लग जाएंगी, अरे लोग पैसा मांगने लग जाएंगे मुझसे, कहेंगे यार तेरे पास तो बहुत पैसा है मुझे पैसा दे दे, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मिलता जुलता हमारे दिमाग में बैठा होगा, तो क्या करेगा पैसा नहीं आए। तो ये चीजें निकालनी बहुत जरूरी है, जो अमीर लोग को समर्पित होते हैं उन्हें लगता है इन सब बातों के बावजूद भी आई डोंट केयर ऑल दिस थिंग, मुझे इससे ओवरकम करना है और मुझे ऊपर निकलना है, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर क्या होते हैं डेडिकेटेड होते हैं। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है, उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना उसने सपने से भी नहीं की होती। तो जैसे कि पिक्चरों के डायलॉग में भी बोला गया है कि पूरी कायनात भी हेल्प करने लगती है, तो आप जब समर्पित होते हैं अमीर बनने के लिए, तो जब इन सारी छोटी भावनाओं को हटाने के लिए तैयार हैं,
तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास 300 से 400 लोग हूँ, मैंने 3 दिन इसकी प्रैक्टिस करी, मतलब मुझे पता है, मैं शिमला चला गया अपने फ्रेंड के साथ, पूरा अपना माइंडसेट तैयार किया, तो मैं उसके बाद करके ये भूल गया। अगले 2 महीने के बाद मेरे पास ऑर्डर आया 10 करोड़ का, जिसमें मैं जब सैलरी दे रहा था तब मुझे ध्यान आया, मैंने सोचा था 300 से 400 एम्प्लाईज हो मेरे पास, तो जब मैं एम्प्लाईज को सैलरी दे रहा था तो मैं हैरान हुआ, 360 मेरे जो पेस्ट कंट्रोल के मिला के करीब कोई 380 एम्प्लाई थे मेरे पास, तो मैं हैरान हुआ यार, इसका मतलब हमारे अंदर का विचार हमें वहां तक लेके जा सकता है जिस हद तक आप सोचते हैं, और फिर भौतिक जगत वैसा काम करने लगता है, बट आपको वो विश्वास होना चाहिए, जैसे आपको गाड़ी चलाने का विश्वास है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, वैसा ब्लू प्रिंट आपके अंदर सेट होना चाहिए, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा ब्लू प्रिंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये कहना है मेरा। और ऐसे ही दौलत की जो फाइल नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अमीर बनने के लिए जब प्लानिंग करी, तो जब मैंने बड़ा सोचना चाहा तो मेरी बिल्कुल लाइफ ही बदल गई। लाइफ क्यों बदल गई, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पता होती है कि आपकी डिमांड, किसी सामान की डिमांड निकली, फिर डिमांड के हिसाब से आपने सप्लाई करी, सप्लाई जब आपने करी तो उसकी क्वालिटी क्या थी उसकी, और उसकी क्वांटिटी क्या थी। मेरा मानना यह, इन चारों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आप अपनी सेवाएं कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जैसे अशोक जी कितने अच्छी मदद कर रहे हैं, अभी इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया अशोक जी ने कि जिसमें ये चाहते हैं कि कई लोगों तक ये बात पहुंच पाए, अब ये जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी, तो इन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है, बजाय कि कई लोगों को इकट्ठा करने के, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जिसमें चाहते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में भी कोई यूट्यूब पे कोई देखना चाहता है, अपने समय के हिसाब से देखना चाहता है, तो अशोक जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करके ऐसी बात लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। तो ये जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो सोचिए ये उतने ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो यही सेम चीज आपके बिजनेस में भी आ गई कि आप कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं। आपने 10 लोगों को सर्व करने का प्लान किया, आपने 100 लोगों को सर्व करने का प्लान लिया, या 1000 लोगों को सर्व करने का प्लान लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपकी ये क्वांटिटी जो होती है, ये आप बड़ा सोचने, जैसे मैंने सोचा कि मेरे 400 एम्प्लॉई होने चाहिए, तो मेरा धंधा फिर कितना होगा, 10 करोड़ का हो गया, वो 20 करोड़ का हो गया, मुझे इसके अंदर एक और मिला जिसके अंदर 5 करोड़ और ऐड थे, तो मैं उसमें 90 फ्लैट्स बनाने थे, तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, कितने लोग। अब आपको लगता है कि बड़ा सोचने से ही तो होगा ना ये, कितने लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं, तो ये सोच होनी बहुत जरूरी है अमीर बनने के लिए, जो लोग मिस कर जाते हैं, उनको लगता है यार मैं यार इस छोटे से मतलब यही दुकान तक मैं मतलब 100 लोगों तक सर्व कर दूं तो बहुत है। तो जैसे आप ये सोचेंगे, आप समझ जाएंगे आपके अंदर और उसके अंदर, उस आदमी में अमीर लोगों के अंदर क्या डिफरेंस है। फिफ्थ फाइल की बात करते हैं तो इसमें मेरा पॉइंट है कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। अगर आप जैसे मोदी की बात भी करें तो वो कह रहा है कि मैं इस टाइम पे भी मैं अवसर की बात कर रहा हूँ, और गरीब लोग की बात करते हैं तो वो हमेशा ये देखते हैं यार टेंशन हो गई, यार ये बिजनेस खड़ा हुआ अब यार ये टेंशन हो गई, मतलब वही बात है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। कोई बात आई तो मेरे को, जैसे मान लो मेरा बिजनेस शुरू हुआ चाइना से, तो मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में हूँ, तो मेरे को लगा यार ये चाइना में दिक्कत आ रही है, ठीक है एक इशू है हमारे साथ, चैलेंज है कंट्री के लिए, पर मैंने क्या करा, सैनिटाइज डिसइंफेक्शन का केमिकल कोई मैंने आज से 6 महीने पहले ही यूएस कंपनी के साथ टाइप करके एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली, कि मुझे लगा ये शायद यहाँ आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस टाइम पे सैनिटाइज करने में पायनियर हो गया हूँ। तो मुझे एक समस्या कोई दिखाई दी, लोग उसको समस्या की तरह ले रहे हैं, हमारे लिए वो एक अवसर की तरह भी हो सकता है, बट ठीक है देखो जो चीज निभानी है वो तो निभानी है, मतलब सैनिटाइज अगर करना है तो करना है, ये तो है नहीं कि अगर वो दिक्कत आएगी तो हमें नहीं करनी, हमें उसको मेडिकल लेवल पे भी देखना है, फिजिकल लेवल पे भी देखना है। तो इस तरीके से चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे कई लोगों ने पीपीआई डिस्क बनानी शुरू कर दी, कईयों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, तो जो चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए आप इन चीजों को अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। अशोक जी आप बताना चाहेंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये बात आपको, तो आप उससे कितने हद तक सहमत है? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो भी बातें आपने बताई तो जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वो स्टार्टिंग ब्लूप्रिंट से ही बन रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जिस तरह से मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो बहुत बहुत उत्तम और बहुत ही प्रेरणा का काम कर रहे हैं आप। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आज से 18 साल पहले, मतलब मैं मनी के ऊपर काम करता रहा,
उन दिनों में मेरे पास सिंगापुर में कोई एक ट्रेनिंग वेल्थ को लेके आई, जिसको मेरा दिल हुआ कि अपने अंदर जाके चेंज करनी है। तो मैं उस वेल्थ की ट्रेनिंग लेने के लिए सिंगापुर के लिए मैंने टिकट विकेट कराई। थोड़ा टाइम लगा मेरे को उस टाइम सोचने में करने में कि यार सिंगापुर जाके ट्रेनिंग करनी, और वो भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर पे जाके। तो मिलजुल के हम लोग तीन फ्रेंड्स थे जो वहां गए। तो एक बहुत अच्छा मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने क्या एक एरो लिया, एरो लिया बिल्कुल लकड़ी का तेज एरो, उसके आगे एरो के आगे हल्का सा ऐसे स्टील का कुछ लगा हुआ था, और उसमें यहाँ लगाओ गर्दन की इस जगह पे, इस जगह पे लगाना है, और आपको सामने कोई हाथ रखेगा या दूसरा आदमी अपनी गर्दन पे रखेगा, और आपको बिना उसको मतलब बिना उसको हाथ लगाए तोड़ना है। और मैं हैरान, और मैं उस टाइम यंग मतलब मान लो जोश में था, और हमारे सामने एक लेटर आ गया, कम से कम 200 लोग थे उस ट्रेनिंग में, तो मेरे सामने एक लेटर आ गया जिसमें डिक्लेरेशन देनी थी मुझको कि अगर आपकी लाइफ को कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब आप सोचो अगर आपके सामने ऐसा कोई लेटर आ जाए, एक बार बोलिए तो आपको पसीने पसीने आ जाएंगे। पर पता नहीं क्या जोश था अशोक जी, मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं क्या जोश था, और मेरे को अच्छे से याद है उस पूरे 200 लोगों के ग्रुप के अंदर आई एम द फर्स्ट वन जो मुझे लगा मैंने साइन किया, मुझे लगा यार ट्राई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिक्लेरेशन दी, फिर मेरा देखे देखे कई लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों सबने दी, फिर मैंने यहाँ पे तीर रखा और उसके यहाँ पे उसने ऐसे हैंड रखा, और मैंने सिर्फ आगे बढ़ के ऐसे करना था, इसमें खतरा हो सकता था, टूट सकता था यहाँ पर भी, पर मैं ऐसे होके जब तोड़ा खड़क से वो टूट गया। ओके, मतलब वो बंदा वहीं रहता है और आपको यहाँ रखना है, और आप आगे बढ़ते हो तो क्योंकि वो मुड़ता है तीर और वो क्रैक हो जाता है एकदम से, लकड़ी का तीर था इतना मोटा, मतलब वो टूट गया। उस दिन मुझे बात समझ आई अशोक जी कि कई सारी चीजों से तो हम खामखा ही डरते हैं लाइफ में, कई सारे हमारे रूल्स जो लाइफ में होते हैं वो हमें पता ही नहीं होता कि हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे सबने हिम्मत करी, पर सबने ट्राई किया। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है डर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी काम करना, समस्या के बावजूद भी काम करना, आपको लगता है हो सकती है समस्या और उसके बावजूद भी काम करना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बाधाएं तो आएंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर उसके बावजूद भी, जैसे मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मेरी हेडलाइट सर मुझे कहां तक दिखाएगी, अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर या 300-400 मीटर तक तो दिखाएगी, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो फिर मुझे आगे का रास्ता दिखा देगी वो, पर मेरा डेस्टिनेशन तो क्लियर है ना कि मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है। फैक्ट है, ऐसा ही हमें लाइफ में करना है, और ये बहुत अच्छा एक प्रयास रहा है, और आपने जिस तरह से उसको आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स दे के बताया वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है अजय जी, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं अगले सेशन में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मतलब इस तरीके की सेवा आप कर रहे हैं लोगों के लिए, ये बात पहुंचाने के लिए। मैं दर्शकों को भी चाहूंगा कि अशोक जी जिस तरीके की मदद या इनके अंदर जो भावना है काफी लोगों तक ये बात पहुंच पाए, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आपके लिए एक मंगल कामना करूंगा कि आपकी ये चीजें लोगों तक जिस आपने भावना के साथ आगे बढ़ाने का कोशिश करिए वो पहुंच पाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू शुभ जी।